दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज मेरे शहर के सबसे सम्मानित सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉक्टर श्री राजेंद्र सिंह के साथ में हूँ। आज इनकी जीवन यात्रा के बारे में हम जानने वाले हैं। सर से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ इस चैनल पे। तो सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों नमस्कार। सर ये जो जीवन यात्रा रही है आपका, हेल्थ सेक्टर में आना कब से हुआ, ये थोड़ा हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, मैंने अपना गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से MBBS में एडमिशन मेरा 1974 में हुआ और मैं 84 में MD मेडिसिन करके पास आउट हुआ वहां से। उसके बाद मैं 1986 से प्रतापगढ़ में जनपद में आकर के मैंने एक पब्लिक की सेवा के लिए अपना एक निजी चिकित्सालय खोला। प्राइवेट प्रैक्टिशनर के रूप में मैं यहाँ काम करता हूँ और मैंने अपना नर्सिंग होम यहाँ इस्टेब्लिश किया। मैं चूंकि यहीं का रहने वाला हूँ, मैं यहीं का प्रतापगढ़ जनपद का अंतु थाना गांव बझान का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने जिले की, अपने यहाँ के लोगों की सेवा के लिए अपने जिले में यहीं पर अपना प्रैक्टिस इस्टेब्लिश किया। मैंने अपनी प्रैक्टिस पहले जिला चिकित्सालय के सामने खोला था, मैं वहाँ पर अपना प्रैक्टिस शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं अपने क्षेत्र में अपना एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मेरी प्रैक्टिस है, मैं धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में करते हुए आज लगभग मुझे 30-35 साल करीब हो गए और मैंने लगातार यहाँ की जनता की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है। जब आपने प्रैक्टिस शुरू की तो आपको पहले दिन की कोई खास याद अगर आपको हो तो आप? वो जी, वो दिन मुझे याद है। मैं जो है अपने नई क्लिनिक के, क्योंकि मेरी दूसरी जगह शिफ्ट की हुई क्लिनिक है, मैं पहले क्लिनिक में जो मेरे जिला अस्पताल के सामने था वहां पर मैं जब आया तो दूसरे दिन मेरे पास एक मरीज आया, उसको लगातार एपिलेप्टिक फिट्स आ रहे थे, मांधाता साइड से आया था और वो वहां के डॉक्टर से इलाज कराया। मैं जिस दिन क्लिनिक में बैठा उसके ठीक दूसरे दिन घटना है, वहां पे आया और उसके बाद मैंने उसको ड्रिप लगा के इंजेक्शन लगा के उसको मैनेज किया और मेरे पास कोई इंडोर की सुविधा नहीं थी, फिर भी मैंने उसको भर्ती करके 5-6 घंटे अपने यहाँ रोका रहा और उसके बाद रोक करके वो मरीज सेटल हो गया, सेट हो गया। जब मेरे पास से गया, मेरा पैर छुआ, उस दिन मुझे लगा कि मैंने जीवन का बहुत बड़ा काम आज किया। मुझे इतनी खुशी हुई कि ये क्षेत्र में आना मेरा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा मैंने चयन किया, मुझे इस क्षेत्र में आना ही चाहिए। सर अगला क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा मेरी संवेदनाएं हैं आपके सामने। जी जी, आपका पुत्र कैंसर के से मतलब जंग हार गया था। जी जी, लोग जानते हैं। जी, और आपने मतलब क्या है कि हेल्थ सेक्टर को बहुत कुछ दिया है और हेल्थ सेक्टर के बाद आपने एजुकेशन सेक्टर की तरफ मुख किया, मतलब आपके कई कॉलेजेस हैं। जी जी, तो ये आपने उस समय क्या ऐसा सोचा कि मेरा जो पुत्र है ये कैंसर की जंग से मतलब हार गया है तो कुछ कैंसर को लेकर के प्रतापगढ़ में कुछ बड़ा किया जाए, क्या उस समय ऐसा कुछ दिमाग में आपके था? मेरे दिमाग में था, मेरा पुत्र जो दूसरे नंबर का पुत्र था उसको मुंह का कैंसर डेवलप हुआ तो मैंने बहुत कुछ दौड़ लगाई और चूंकि कैंसर का मामला जानते हैं आपकी क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ आज की साइंस भी बहुत कुछ कहने में असमर्थ है, मैंने उसको बहुत दूर तक इलाज कराया लेकिन मैं बचाने में असमर्थ रहा। तो इसके लिए उसको, मुझे दुख की बात तो ही है लेकिन कैंसर के मरीजों के लिए मैं आज तक कुछ न कुछ, जो भी मेरे यहाँ कंसर्न है, मैं कोशिश करता हूँ उनका कम या तो फ्री में इलाज हो या तो ज्यादा से ज्यादा उनको रियायत मिल सके। तब से मैंने आज तक कैंसर के मरीजों को यही एक सुविधा देता हूँ और भविष्य में कोशिश करता हूँ। मेरा मतलब एक मेरे आई में मीटिंग में मैं कई बार इसको रखा कि एक कैंसर के यूनिट का कोई सुविधा प्राविधान यहाँ पर रखने की कोशिश की जाए, लेकिन चूंकि कैंसर यूनिट रखना थोड़ा सा बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है लिहाजा, और छोटा शहर है यहाँ पे अभी स्टेब्लिश मतलब सेटलमेंट इस तरह का नहीं हो पा रहा, लेकिन मेरा प्रयास जारी रहेगा और भरसक कोशिश करूंगा कि एक यूनिट कैंसर की यहाँ प्रतापगढ़ में जरूर सेटल हो और उसमें मेरा जो भी योगदान होगा मैं जरूर करूंगा। सर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। जी जी, हेल्थ सेक्टर में होते हुए आपका एजुकेशन सेक्टर में आना कैसे हुआ? ये ऐसा है कि मेरे जो पुत्र थे जिनकी डेथ हो गई, वो चूंकि कुछ राजनीतिक जीवन उनका था, एक बार इलेक्शन में लड़े थे तो उन्होंने ही कुछ सोचा अपने क्षेत्र में जहां से इलेक्शन लड़ते थे कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को, मेरा भी प्रयास है और उनका भी प्रयास हो उसमें योगदान कि बच्चों को एजुकेशन के लिए कुछ कार्यक्रम किया जाए। तो चूंकि सदर क्षेत्र में आता मेरा, जहां पे मेरा कॉलेज है वो गोबरी क्षेत्र है, तो वहां पे हुआ चलो एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाए।
वहीं पर फिर स्थापना हुई, डिग्री कॉलेज खोला गया, फिर वहीं पे एजुकेशन लाइन पे, फिर वहीं पे हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, वही उस प्रोजेक्ट को देखते थे। चूंकि वो चले गए लिहाजा आज वो खुला है, लेकिन काफी कुछ मेरा उन्हीं का योगदान ज्यादा था। अब चूंकि खुला है इसलिए मेरा भी योगदान साथ ही इससे जुड़ा हुआ है। सर, मैं अक्सर देखता हूँ लगातार आपके हॉस्पिटल के सामने भीड़ इकट्ठी रहती है, लगातार आप पेशेंट को आप देखते रहते हैं, तो बहुत से लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि सर का रूटीन क्या है, कि आप उनको खुद के लिए समय निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। अब डॉक्टर का रूटीन, चूंकि मेरे पास इंडोर सुविधा भी है, इसलिए अगर आप मरीज भर्ती करते हैं तो बहुत कुछ टाइम आपके पास रह नहीं जाता। जैसे ओपीडी प्रैक्टिस इनकी है, वो सुबह 9 बजे से आए, शाम को 7 बजे 8 बजे बंद किए, शटर अपना बंद किए, चले गए, दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि मेरे पास इंडोर है, लिहाजा हम लोग बहुत टेंशन रहते। अच्छा, चूंकि मेरे साथ मेरे जो बेटे हैं डॉक्टर मनीष और बहू हैं डॉक्टर मनीषा, दोनों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, या थोड़ी बहुत मुझे छूट रहती है, मुझे कुछ सहूलियत रहती है, लेकिन फिर भी मेरा रूटीन बहुत बिजी है। मैं सुबह 9 बजे से आता हूँ और शाम के 8 बजे तक लगातार नर्सिंग होम में और मरीजों के प्रैक्टिस में अपने ये इन्वॉल्व रहता हूँ। बीच में 1 घंटे का मुझे रेस्ट मिलता है, लेकिन फिर भी मैं जो है कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की सेवा दे सकूँ। डॉक्टर के शब्द बड़े कीमती होते हैं, क्योंकि इसी की वो फीस लेते हैं। अगर आपको हमारे दर्शकों को कोई एक फ्री की एडवाइस देना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, फ्री की एडवाइस है कि डॉक्टर जो कहे उस चीज को थोड़ा सुने और अपनी चीजों को, जैसे मरीज कोई आता है तो बड़ा सोच समझ के कुछ लिमिटेड चीज जो मेन चीज जो फोकस करे उसी को चीज को बताए कि मुझे ये तकलीफ है। कभी कभी कुछ मरीज आते हैं ऊपर से नीचे तक सैकड़ों तकलीफ गिना देते हैं, कुछ मेन चीज को फोकस करे और डॉक्टर जो कहे उसका पालन करे। अगर वो कहता है कि भाई इतने दिन में दवा लो, इतने दिन बाद मुझे आप दिखाइए, तो उस चीज का उसको नियम से पालन करना चाहिए। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहिए। आज के जमाने में प्रिवेंशन इज बेटर देन हेल्थ, ये पहले भी कहा गया है, तो दवा की आपको जरूरत ही ना पड़े। आप थोड़ा अपने को कॉशस रखिए, अपने खान पान पे नियमित रहिए, अपना रोज की रूटीन का कुछ योगा व्यायाम कुछ आप नियम अपनाइए, जिससे कि भगवान आपको बीमार ही ना करे और डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर उनको कभी जनता के साथ में जुड़ना होता है तो मन की बात कार्यक्रम के थ्रू वो अपनी बात रखते हैं। वैसे अगर आपके मन की बात क्या है जो आप लोगों तक या देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं? अब रही मन की बात, कुल मिलाकर के हम लोग यही कहते हैं जो भगवान से दुआ करते हैं कि भगवान आदमी को बीमारी ना दे, और पहला अगर बीमारी देता है तो चाहे गरीब हो अमीर हो, बीमारी तो सबको आती है, लेकिन भरसक हम लोग कोशिश करते हैं जो मैंने अभी बताया कि ऐसा करें कि अपने रूटीन अपने नियम को भैया पालन करके रखिए, संभाल के। आजकल देखिए महामारी फैली हुई है कोरोना का, तो जो दुनिया भर के आपको बताया जाता है कि डिस्टेंसिंग रहिए, कोरोना को इतना इजी न लीजिए, घर में आप जुकाम बुखार किसी को है तो उसको तुरंत चेक कराइए, और अगर डॉक्टर एडवाइस देता तो आइसोलेशन में रहिए, क्वारंटाइन रहिए, हर चीज का नियम का पालन करिए। और जब आप योगा और अपनी रूटीन को फिक्स रखेंगे, खान पान में ध्यान रखें, बीमार होने की नौबत ही ना आवे, बस यही एक मेरा आप लोगों से आग्रह है। अच्छा, आपके नजर में सुख और सफलता क्या है? सुख सफलता में जब मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने पेशे से बात करता हूँ, जब मैं मरीज को उसको ठीक करके जब वो जाता है, मेरा पैर छू के डॉक्टर साहब मुझे आपने ठीक कर दिया, तो उससे बड़ा सुख मुझे जीवन में कुछ नहीं मिलता है, उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं होता जीवन के, मैंने उस प्राणी का जीवन ठीक किया। बाकी सफलता तो देखिए हर आदमी सफलता अपने जीवन में, मुझे लगता है कि मैंने भी अपने जीवन को जो भी अपने प्रैक्टिस में किया है काफी किस किया, भगवान की कृपा से मैं अपने एक स्टैंडर्ड पे, प्रतापगढ़ में मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैंने अपने सफलतम जीवन को प्राप्त किया है। लेकिन फिर भी सफलता की कोई अंत या कोई अंतिम सीढ़ी नहीं होती है, आदमी लगा रहता है, हो सकता है भगवान के पास और सफलता मिले। मेरे साथ जो है मेरे पुत्र मेरे बहू भी हैं, वो मेरे कार्यक्रम में मुझे योगदान देते हैं, मैं उनके लिए तीनों लोग मिल करके रूमा नर्सिंग होम को चलाना था हूँ, और जितनी कम सुविधा कम पैसे में जो सुविधा यहाँ है वो प्रतापगढ़ में कहीं नहीं। जी जी, ये बात तो है। सर, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको किस रूप में याद रखें? देखिए, मैं जब प्रतापगढ़ आया तो मैं एक बेटे के रूप में आया, मेरी उम्र बड़ी कम थी, उसके बाद मैं भाई के रूप में हुआ, फिर आज मैं बाप के रूप में हूँ। तो मैं मेडिकल क्षेत्र में प्रतापगढ़ में मैंने इतनी सर्विस की है, मैं सोचता हूँ कि लोग मुझे याद रखें कि डॉक्टर साहब प्रतापगढ़ के एक बड़े अच्छे फिजिशियन थे, जो कभी भी किसी को न डांटते थे, बड़े मधुर भाषी थे,
और अच्छी दवा करके लोगों को मरीजों को फायदा करने वाला काम करते थे और सस्ती मतलब दवा सेवा जो है करते थे। लोग मुझे याद रखें कि प्रतापगढ़ में एक डॉक्टर साहब ऐसे भी थे जिन्होंने जिनको लोग याद करते हैं। सर आज के समय में प्रतापगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, लोगों को अच्छे इलाज के लिए बड़े शहर जाना पड़ता है, ठीक है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में वो सारी सुविधाएं आपके द्वारा जनपद वासियों को मिलेगी? देखिए मेरी कोशिश है, आज भी मैं प्रतापगढ़ में जो नर्सिंग होम जितने भी हैं प्राइवेट में उनसे मेरी जो भी सुविधाएं डॉक्टरी संबंधी होती हैं वो मेरे नर्सिंग होम में जितना है वो प्रतापगढ़ में किसी नर्सिंग होम में, फिर भी उसके बाद ही मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी और बेटर सुविधाएं दे सके। लेकिन चूंकि छोटा शहर है बहुत कुछ करने पर आदमी को यहाँ पे उस हिसाब से उतने डॉक्टर नहीं मिलते, उतने ट्रेंड स्टाफ नहीं मिलते हैं। अच्छा चूंकि देखिए यहाँ प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, जब खुल जाएगा तो और सुविधाएं हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं अपने यहाँ और भी नई नई तरह की कोशिश करता हूँ खोलने के लिए। अभी मैंने डायलिसिस खोला, वेंटिलेटर ले आया, हर चीज़ की कोशिश करता रहता हूँ कुछ न कुछ। इसी के साथ मेरे बेटे भी जुड़े हैं, मेरी बहू भी जुड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि और बढ़िया से बढ़िया सेटअप प्रतापगढ़ वासियों के लिए और दे सकूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस चैनल को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।